मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जिसे सुन करके देख करके आप शायद खुशी से झूम उठे। तो मेरे पास एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हो सके आप लोग के लिए ये यूजफुल हो जाए। जिन्हें आप बेबी नहीं प्लान करना है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, और जिन्हें अगर बेबी प्लान करने वाले हैं, बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं और उन्हें बॉय चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपने सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा जब सुयोग राजपुत्र की या चक्रवर्ती राजा की जब प्राप्ति करनी होती थी तो वो ऋषि मुनि को बुला करके या उनके राज्य में जो होते थे उनसे जानकारी लेते थे कि हमें कैसे चक्रवर्ती राजा की प्राप्ति होगी, और इसके लिए वो तिथि, डेट, समय, मुहूर्त वगैरह उनको बताते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि कोई ऐसा डेट या समय या मुहूर्त ऐसा होता है जिसमें कि बाय होने का चांस होता है, एक मुहूर्त होता ही होता है जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। राजा महाराजा इसके लिए यज्ञ वगैरह भी करवाते थे, अनुष्ठान वगैरह भी करवाते थे। तो अब तो न तो वैसे ऋषि मुनि रह गए होंगे, हमें जानकारी, हम लोगों को जानकारी नहीं है, आज भी हैं लेकिन हम लोगों की जानकारी से दूर हैं और जो हैं वो ढोंगी हैं। तो वो सब जानकारी तो है नहीं हम लोगों को, हमें इससे रिलेटेड छोटी सी एक जानकारी मिली है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ कैसे हम बेबी बॉय प्राप्त करें या फिर बेबी गर्ल हमें मिले। जिस तरह से हमारे अपने हाथों के पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, उसी तरह से हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता है। किन्हीं की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, किन्हीं की इम्यूनिटी पावर वीक होती है, कोई जल्दी कंसीव करती है, किन्हों को समय लगता है, इन्हों को बिना डॉक्टर के पास गए हुए ही कंसीव कर लेती हैं, किन्हीं को बराबर डॉक्टर के कई सालों तक डॉक्टर के चक्कर लगाने के बाद वो कंसीव कर पाती हैं। तो ये तो होता है अपने अपने बॉडी का स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से प्रेग्नेंट में अगर बहुत सारे सिम्टम्स अगर बेबी बॉय के मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर गर्ल हो रही है, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है और ना ही कोई बकवास है। अगर 90% सिम्टम्स लेडीजों में मिल रहे हैं और एवरेज में अगर उन्हें लड़का हुआ है, तो ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं सच है और ये बकवास नहीं होता है। हाँ, अपवाद भी है कि अगर सारे सिम्टम्स मिलने के बाद भी आपको लड़की हुई है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, अपवाद में ऐसे केसेस हो सकते हैं। मुझे ये सिम्टम्स मिल रहा था फिर भी मुझे लड़की हुई, मेरे फेस डल हो रहा था फिर भी मुझे लड़की हुई, बेबी बम बहुत बड़ा था फिर भी मुझे लड़की हुई, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था फिर भी मुझे लड़की हुई, तो ये कोई अचंभित करने वाली बातें नहीं। आप इन सब बातों से परेशान ना हो, और आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने आपके लिए खास एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप बहुत ही खुशी से झूम उठेंगे। ये भी मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है और इसी को मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट होने के बाद ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपका ये टेंशन शुरू के दिनों से ही खत्म होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन प्राचीन मेथड की, कहा जाए तो उन प्राचीन बातों की जो पहले के राजा महाराजा फॉलो किया करते थे। वो बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और ये बातें भी मुझे फर्स्ट बेबी के बाद मालूम हुआ। फर्स्ट बेबी मेरा गॉड गिफ्टेड है, मैंने कोई उसमें ट्रिक नहीं लगाया था, कोई भी उपाय उसमें नहीं किया था। सेकंड बेबी के टाइम में जब मैंने ये ट्रिक जाना तो मैंने इसे आजमाया और वही ट्रिक मैं आप लोगों के सामने यह शेयर करने वाली हूँ। पहले के लोग, यहाँ तक राजा महाराजा क्या करते थे, जब उन्हें सुयोग राजकुमार चाहिए होता था तो वो यज्ञ करवाते थे, ऋषि मुनि अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि को बुला करके उनसे तिथि, टाइम, मंथ वगैरह सारा कुछ निकलवाते थे, और उसमें उन्हें बताया जाता था कि फलाने महीने फलाने तिथि, घड़ी, मुहूर्त सब दिया जाता था, और उसमें उनको राजपुत्र की प्राप्ति के बारे में बताया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं सच है
कि इसके लिए वो लोग यज्ञ भी करवाते थे और कुछ पूजा पाठ भी करवाते थे। तो यहाँ पर मैं कोई यज्ञ पूजा पाठ करवाने वाली विधि ऐसी कोई नहीं बताने वाली हूँ, ना को मैं ऋषि मुनि हूँ और ना ही कोई मैं डॉक्टर हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो मुझे किसी के थ्रू मालूम हुआ। मैं भी ये नहीं जानती थी, मुझे भी किसी के थ्रू ही मालूम हुआ है और मैंने उसको फॉलो किया था और ये सच हुआ है। तो वही बातें मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कंसीव करने के बाद आपके मन में डाउट चलते रहता है ना, मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, मुझे लड़का होगा या लड़की होगी। तो ऐसा अब मन में कोई डाउट नहीं आएगा। तो मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप पीरियड्स के कितने दिनों के बाद आप अगर कंसीव करें तो आपको 100% अगर आपकी चाहत लड़के की है तो लड़का ही होगा, अगर आपकी चाहत लड़के की है तो लड़की ही होगी। मैं बताने जा रही हूँ पीरियड्स मेन मैं यहाँ पर है दिन की, पीरियड्स के बाद कौन से दिन में अगर हम कंसीव करें तो हमें लड़का होगा। पीरियड्स के अगर 5 डेज का पीरियड्स होता है, 5 डेज के बाद 7th डेज से आप कंसीव कर सकते हैं। 7th ऐसे साइंस की भाषा में तो 9th 11th डेज के बाद करते हैं। यहाँ पर बताने का मेरा, इस टॉपिक पर चर्चा करने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको लड़का या लड़की कैसे होगी। इसके लिए आप शुरू से ही प्रिपेयर करें, शुरू से ही तैयारी करें, पहले से ही ये जानकारी रखें तो आपको 100% लड़का ही होगा या लड़की ही होगी जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर है पीरियड्स के बाद हम कितने दिनों बाद, तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर पीरियड्स के बाद ओड नंबर, यहाँ पे ओड नंबर इवन नंबर अगर आप समझते हो, ओड नंबर मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह की जो नंबर हैं ये ओड नंबर हैं। इवन नंबर हो गई 2, 4, 6, 8, 10। तो हम मोस्टली लेडीजों को 5 to 7 days का पीरियड्स होता है। तो 7 days के बाद अगर हम 8वें हो गया इवन नंबर, तो इवन नंबर में अगर हम कंसीव करते हैं तो हमें गर्ल होगी। अगर 9th ओड नंबर में अगर हम कंसीव करते हैं तो हमें बॉय होगा। मेन पॉइंट यही है, आप अगर ध्यान दें अच्छी तरह से इसको अगर समझने की कोशिश करें तो पीरियड्स के इन्हीं दिनों का खेला होता है जिसमें बॉय और गर्ल का होने का बात इसमें, हालांकि ये सारी बातें प्राचीन ग्रंथों में भी कही गई हैं। अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि जब राजा महाराजा ऋषि मुनि द्वारा बताए गए बातों का अनुसरण करते थे तो उन्हें इस तरह से उन्हें राजकुमार योग चक्रवर्ती राजा की प्राप्ति वो करते थे। तो यहाँ पर वही बातें हैं, इसमें अगर डीपली जाएंगे तो इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो इतना डीप तो खैर मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं जितना जानती हूँ वही मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ लड़का और लड़की का बात है, तो एक ही बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप अगर ओड नंबर पे कंसीव करती हैं तो आपको लड़का होगा, इवन नंबर ये कंसीव करती हैं तो आपको लड़की होगा। 9वें दिन 11वें दिन 13वें 15वें 17वें इस तरह के ओड नंबर में अगर आप कंसीव करती हो तो आपको 100% लड़का ही होगा। और यदि आप 10th 12th 14th 16th इस तरह के पीरियड्स के बाद आप काउंट कीजिएगा, पीरियड्स 5 दिन में ख़त्म होती है, उसके बाद आप काउंट कीजिएगा 6वें दिन नहीं 7वें दिन 8वें दिन नहीं 9वें दिन 10वें दिन नहीं 11वें दिन, इन दिनों में लड़का होने का 100% चांस होता है। तो इस तरह से आप अपना खुद डे काउंट करें और इस दिन कंसीव करें तो आपको 100% लड़का होगा या आप जो चाहते हैं लड़का या लड़की वो आपको प्राप्त होगी। तो आई होप आप ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में। और एक तरह से इसे हम कह सकते हैं दादी का नुस्खा भी कह सकते हैं पुराने ज़माने का, क्योंकि मुझे ओल्ड वुमेन से ये जानकारी हमें मिली थी जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। और मैं 2nd बेबी के टाइम में भी मैंने इस ट्रिक को आजमाया था। मेरा 2nd बेबी 11th डे का है तो ये 100% सच है। हालांकि मेरा 1st बेबी बॉय है और मुझे नहीं जरूरत था बॉय का, फिर भी मैंने इसे आजमाने के लिए मैंने इसे देखा कितना सच है कितना गलत है। तो ये 100% सच है, मैंने खुद आजमाया है, 11th डे का है।
तो आप खुद इसे करके देखें, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है। आपको इसमें अगर फिर भी अगर आजमाने के बाद भी अगर आपको गर्ल होती है, आपने एक बॉय चाहा गर्ल हुआ, गर्ल चाहा बॉय हुआ, तो ये तो भगवान की कृपा है। भगवान जिसको जो देना चाहेंगे वही देंगे, कहते हैं ना अपवाद, तो अपवाद में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद भी अगर कुछ मतलब चाहने के बाद जैसा नहीं होता है तो इसे हम अपवाद कह सकते हैं, लेकिन ये 100% सच है, बिल्कुल सही है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही जानकारी लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।